हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जो है नीट का क्रैश कोर्स जो है पूछो तो पर चला रहे हैं, तो उसी प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो है आज का है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग जो है पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले डिस्कस करेंगे, फिर जो है फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिक बेसिक चीजें आपको पहले फटाफट बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे की चीजें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कुछ जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम अरविंद सिंह, ठीक है, और आपका जो है ये अच्छा सा ब्यूटीफुल सा चैनल जिसको पूछो तो के नाम से आप जानते हो, ठीक, इस पे हम लोग नीट के क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अगर बात की जाए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो अपने को थोड़ा मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पे भी बड़े सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं कि एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि मान लीजिए ये एक वॉल है और एक पार्टिकल ऐसे है, मास एम है, ये वी वेलोसिटी से ऐसे जाके इससे टकराता है। टकराने के बाद जो है सेम वेलोसिटी से ये आपका मास सेम और वेलोसिटी वी से इस तरीके से वापस आ जाता है। तो इसी क्वेश्चन में जो है कई पार्ट पूछे गए हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है चेंज इन मोमेंटम बताओ, इंपल्स बताओ। ठीक है, तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जब न्यूटन सेकेंड लॉ डिस्कस कर लेंगे तो इंपल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम एक ही चीजें होती हैं। क्या क्या पूछा जाता है? इंपल्स बताओ, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम बताओ। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम की अगर बात की जाए तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कुछ बच्चे इसको इसका आंसर रट भी लेते हैं। मान लो ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है कि एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से आया, टकराया और वी वेलोसिटी से ही वापस चला गया, लेकिन डायरेक्शन जो है अलग है। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड मान लूं कि मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम आई कैप जे कैप के टर्म में लिख लेते हैं और जो फाइनल मोमेंटम है उसको भी आई कैप जे कैप के टर्म में लिख लेते हैं। और चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये देखो इनिशियल मोमेंटम की लाइन है, ऐसे है, ये है पी मतलब एम इंटू वी। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे निकाल लेते हैं और एक कंपोनेंट ऐसे, इसी को मैंने कुछ नहीं किया, आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो इसी वेक्टर को आगे आप डिस्प्लेस कर दोगे तो वेक्टर थोड़ा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो एम वी अगर ये है तो ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। इधर कॉम्पोनेंट क्या आएगा? एम वी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? एम वी साइन थीटा। तो अगर इनिशियल मोमेंटम को लिखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चा लोग? एम वी कॉस थीटा आई कैप और माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये नीचे की तरफ था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ऊपर वाला डायरेक्शन अपना क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, तो सिमिलरली अगर बात की जाए तो ये वाला एंगल भी आपको थीटा दे रखा है, तो जो फाइनल मोमेंटम है अगर उसकी बात की जाए तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस वाले मोमेंटम का इधर एक कॉम्पोनेंट आएगा और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आया है ये कॉम्पोनेंट, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी आ रहा है, जिसको हम लोग माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप लिख लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है? चेंज इन मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम था बच्चा लोग और ये क्या था? फाइनल मोमेंटम था। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल ये है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इसकी वैल्यू आएगी माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, क्लियर बच्चा है लोग? तो कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं कि 2mv cos थीटा टाइप से आ गया। ठीक, तो मैं याद करने का सजेशन नहीं दूंगा आपको, आप बेसिक दिमाग में रखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां से एंगल दे रखा हो। अगर एंगल यहां से दे रखा होगा तो पता लगा यही फॉर्मूला तुम रट के गए हो और फिर वहां निपट गए। ठीक, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन देखोगे तुरंत लार टपकनी चालू हो जाएगी, तुरंत जैसे ही आसान क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग तुरंत लार टपकनी चालू हो जाती है। ठीक है, यार ये तो आता है मेरे को यार, और उसी में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला याद कर रहे हो तो ये दिमाग में रखो हमेशा कि थीटा किससे जो एंगल है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से दे रखा है। ठीक,
तो ये क्वेश्चन चेंज इन मोमेंटम का पूछा जाता है। इसी में इंपल्स भी पूछा जाता है, तो इंपल्स भी क्या होगा तुम्हारा, सेम ही होगा। इंपल्स क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा पी के ही बराबर होगा। तो इंपल्स के लिए भी यही फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर है चीज। हमने चेंज, देखो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये है कि चेंज इन मोमेंटम जब भी कैलकुलेट करोगे तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर तुम निकाल सकते हो तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक। और ये वेक्टर की तरह घटाए जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो कहते हैं कि कभी कभी, जैसे मैं क्लासरूम टीचिंग जब करता था तो बच्चों से पूछता था कि भाई मान लो एक मास एम है, वी वेलोसिटी से गया और इसी वेलोसिटी से टकरा के वापस आ गया तो चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो बच्चा तुरंत आंसर देता, अरे इनिशियल मोमेंटम एम वी, फाइनल मोमेंटम एम वी, और दोनों क्या हो गया, मिलके जीरो हो गया, माइनस किया तो, ठीक। लेकिन इसमें याद रखना, ये वाला पॉजिटिव अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी अगर डेल्टा पी निकालोगे तो डेल्टा पी के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये 2 mv हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, तो इसमें से इसको माइनस करना है, दोनों ऐड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। समझ रहे हो ना, पक्का श्योर। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये मोमेंटम एकदम क्लियर पिक्चर रखना, इंपल्स पूछा जाए या मोमेंटम पूछा जाए, चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम, ठीक। चलो तो ये मोमेंटम की बात हो गई। ऐसे इनर्शिया नाम की क्वांटिटी होती है, ठीक। इनर्शिया क्या होता है आपका, इनर्शिया अगर आप एक मोशन की स्टेट में हो तो उसको अपोज करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, से हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इनर्शिया बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई कि इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। इसी से रिलेटेड तुम्हारा जो है कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ भी था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था, न्यूटन बाबा ने बहुत चीजें की थी, ठीक। तो न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात की जाए तो न्यूटन सेकेंड लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी पे अगर सवाल पूछे जाते हैं तो पहले हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, और फिर इसको जो कहते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था बच्चा लोग, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। तो सबसे पहले तो सिस्टम समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लो एक बस है, बस में ढेर सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो अब बस को अगर तुमने सिस्टम मान लिया तो बस के अंदर के पैसेंजर्स जो हो गए उस सिस्टम के अंदर आ गए, ठीक। अब मान लो तुमने 4 सीटों को मिला के अपना सिस्टम बना लिया तो वो 4 सिस्टम हुआ, उसके अंदर के मॉलिक्यूल से, अंदर के आदमी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इंटरनल फोर्स होगा, और जो बाहर से फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अगर बस को एज अ होल तुमने अपना सिस्टम मान लिया तो पैसेंजर धक्का मुक्की कर रहे हैं, अगर तो पैसेंजर धक्का मुक्की कर रहे हैं तो वो आपका इंटरनल फोर्सेस की कैटेगरी में आएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं जो सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस और सिस्टम की बात हुई, ठीक। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था भाई, कि डीपी बाय डीटी ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये इसके इक्वल आता है, एफ एक्सटर्नल, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब इस इक्वेशन पे भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो मैंने पीटी ग्राफ दे दिया तुमको, ठीक, मैंने कहा कि ये एक सिस्टम, एक पी टी ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ठीक, और ये एंगल मान लो मैंने कह दिया 45 डिग्री है, और तुमसे कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो इस सिस्टम पे लग रहा है वो कैलकुलेट करो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्सटर्नल। तो डीपी बाई डी टी ग्राफ में रिप्रेजेंट क्या करता है, हमने डिस्कस किया हुआ है भैया स्लोप, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा टैन 45, तो एफ एक्सटर्नल इस केस में क्या हो जाएगा, टैन ऑफ 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अगर पीटी ग्राफ दे रखा है उससे अगर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पीटी ग्राफ दे रखा है एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है तो उसका स्लोप, ठीक। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन एक जो है एफटी ग्राफ से रिलेटेड भी पूछा सकता है, इनफैक्ट पूछा भी गया है 2012-13 में एक क्वेश्चन,
अगर एफटी ग्राफ दे रखा है, मान लो कुछ ऐसे एफटी ग्राफ दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगता है इस तरीके से, उसका ग्राफ है, रिप्रेजेंटेशन है, मान लो ये है 100 न्यूटन का फोर्स और ये है 10 सेकेंड का टाइम, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, एफटी ग्राफ दे रखा है उससे क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एफटी फोर्स टाइम ग्राफ चेंज इन मोमेंटम। तो भैया ये देखो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी टी, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो ये है क्या इंटीग्रेशन, ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या देता है बच्चा लोग, ग्राफ में इंटीग्रेशन एरिया को देता है, क्या देता है, एरिया को देता है। तो ये जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इसका एरिया तो निकाल ही सकते हो, ठीक। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस है 10 इंटू हाइट, हाइट है 100, 5 तो आ गया 500, ठीक है, क्लियर है चीज सबको। तो ये एकदम सिंपल सिंपल चिंदी टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्लियर है चीज सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यही वाली जो क्वांटिटी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। इसके बचपन में बहुत ढेर सारे तुमने एग्जांपल पढ़े हैं, एक क्रिकेटर है बॉल को ऐसे पकड़ता है, हाथ को पीछे लेके जाता है तो फोर्स कम लगता है, ठीक है। जो हमारे शॉकर्स लगे होते हैं उनका भी, जो बाइक्स या कार्स में जो शॉकर्स लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स जिन्हें बोलते हैं, उनका भी कारण यही होता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी समझते हो, चीनी मिट्टी मतलब क्रॉकरीज जो होती हैं, उनको जब लेके आते हो तो पेपर में या थर्माकोल में उसको रैप करके देते हैं ताकि वहां पे भी इसका इफेक्ट कम हो। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे भाई कोई बॉल आ रही थी, ठीक है, मान लो एक बॉल आ रही थी, कुछ मास एम था, उसकी वेलोसिटी थी वी, तो मास एम वेलोसिटी वी, तो फाइनली जब उसको आप कैच करोगे तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आपका, पहले कुछ मोमेंटम था बाद में जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम आप चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, ठीक है, दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर सेम रहेगा तो हम कम कर क्या रहे हैं, ये तो सेम है, अगर हम ये टाइम बढ़ा दें, ये है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट सेम रहना है, तो अगर टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, तो इस प्रोसेस में तुमने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा, तो चोट कम लगेगी। इसी का एग्जांपल होता है डोर क्लोजर लगा होता है, आपने दरवाजा खोला अब वो बंद हो रहा है अपने आप धीरे 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 धीरे, तो टाइम बढ़ गया तो जो इम्पैक्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, इंपल्स पूछा जाए, या एफ इंटू टी, जैसे इसी क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स सब पूछा जा सकता था, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स, इंपल्स के कैलकुलेट करने के अपने पास जो कहते हैं दो तरीके हुए, या तो चेंज इन मोमेंटम से कैलकुलेट करेंगे या एफ डी टी को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे, इन्हीं दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें इंपल्स भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इंपल्स पूछ दिया जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम तुमने कैलकुलेट कर लिया, वही क्या हुआ, इंपल्स हो गया। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अब इसमें टाइम दे दिया गया, मान लो टाइम दे दिया गया तो फोर्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो फोर्स भी पूछा जा सकता है, क्लियर है चीज की नहीं सबको, पक्का। तो आगे चलते हैं, ठीक, इसी का एक जो है और फॉर्म पढ़ते हैं, और फॉर्म एक पढ़ेंगे बहुत ही आसान होता है चेंज इन मोमेंटम पे, बहुत जगह कहते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, तो ये एकदम पक्का होना चाहिए। अब देखो हमने पढ़ा क्या, dp by dt बराबर f external, तो अगर f external जीरो हुआ मतलब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो dp by dt क्या हो जाएगा, जीरो। देखो था क्या, dp by dt बराबर एफ एक्सटर्नल, बच्चा लो क्या एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल, तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया, एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डीपी बाई डीटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ करता था बचपन में पढ़ा है, कांस्टेंट, तो पी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो पी क्या हो गया, कांस्टेंट। इस पे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस पे भी। तो अगर किसी सिस्टम पर, सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा। अब देखो इसमें कई तरह की चीजें होती हैं, अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसमें,
एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। किसका? सिस्टम का, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का नहीं, सिस्टम जो आपने चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो है तो वाई डायरेक्शन का भी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। किसका? सिस्टम का। जेड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो जेड डायरेक्शन का भी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मंत्र की तरह याद रखिए, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है चीज सबको। तो चलो इस पे हम लोग सवाल करते हैं, इस पे किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं मिटा देता हूं, जिसको लिखना होगा पॉज करके लिख लो। अरे मैंने तो मिटा दिया, कोई नहीं, ठीक है। एंजॉय करके पढ़ाई करो, वैसे भी आजकल जगह कहते हैं कोरोना का हिसाब किताब इतना ज्यादा फैल गया है, तो पढ़ते रहो, हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखते रहो, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा और मैनेज्ड वे में जो है कहते हैं चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टाइम हमें लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, हो सकता है, ठीक। तो चलो एक 2019 का ही क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद है, लेकिन मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन यहीं पे फ्रेम करके आपको सॉल्व करवा देता हूं। मान लो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल था, इसकी आपको कुछ वेलोसिटी दे रखी है, मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है। और आपसे कहा गया कि इसमें सडन एक बॉम्ब था, मान लो क्या था, ये बॉम्ब था, ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा था, अब ये बॉम्ब सडन एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, और एक्सप्लोजन में ये दो पार्ट में टूटता है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, ये छोटू सा, ये बड़ू सा, ठीक है, अब इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है, बना दिया, ठीक है। तो इनके जो मास का रेशियो है m1:m2, मान लो ये दे रखा है 1:5, ये तो शायद यही डेटा था, और आपसे कहा गया कि अगर मान लो जो छोटा वाला फ्रैगमेंट था, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है v1, ये दे रखी है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस वाले फ्रैगमेंट की वेलोसिटी बताइए, इस वाले फ्रैगमेंट की वेलोसिटी बताइए। तो हमेशा याद रखिए, देखिए कोलिजन या एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जब भी होता है तो अंदर ही अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ केमिकल लोचा होता है, उससे एक्सप्लोजन होता है। तो उससे अगर एक्सप्लोजन होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं भैया लोग, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा तो मतलब लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व रहना चाहिए तो जो जिन दो फ्रेगमेंट में टूटा उसका मोमेंटम, एक्सप्लोजन के बाद तो टोटल मोमेंटम कैसे निकालोगे, उस पूरे सिस्टम का मतलब उन दोनों पार्ट्स का जो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, और एक्सप्लोजन के पहले जो लीनियर मोमेंटम था वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लोजन के पहले जो लीनियर मोमेंटम था, अगर मैं मान लूं मास की बात कर लूं, ठीक है, तो इसका मास मैं मान लेता हूं अगर x, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 5x, तो टोटल मास कितना हो गया? 6x, तो टोटल मास हो गया तुम्हारा 6x, और वेलोसिटी कितनी थी? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। भैया क्या लिखा है ये, कहां लिखा है ये? लिखा हूं हम मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम एक्सप्लोजन के पहले ये लिख दिया मैंने, अब एक्सप्लोजन के बाद तो ये दो पार्ट में टूट गया ना भाई, तो अगर दो पार्ट में टूट गया तो दो पार्ट में टूटने के बाद इसका जो मोमेंटम होगा वो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो आई कैप जे कैप के टर्म में लिखोगे तो वेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आई कैप जे कैप में नहीं दे रखा है तो आपको वेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो आपको वेलोसिटी पहले ही दे रखी है, ठीक, तो इसका मास हमने कितना माना है? एक्स, तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्स इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, तो प्लस कुछ नहीं दे रखा है तो इसको मिटा देता हूं मैं, अरे ये तो ये भी मिट गया यार, ठीक है, प्लस 5x, इसकी वेलोसिटी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ये होना चाहिए। अब इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है भाई, x x मर जाएगा हर जगह से, ठीक है, यहाँ क्या आ गया 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप आ गया, और यहाँ i कैप में क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 प्लस vx i कैप, ठीक है, और 3 प्लस vy j कैप और प्लस vz k कैप, ठीक।
अगर ये वेक्टर सेम है तो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशियंट बराबर होने चाहिए, ठीक। तो बराबर होने चाहिए, बराबर कर दो, आ जाएगा आंसर। ऐसा ही सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान ही पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक। इस चैप्टर को लेके बड़ा इल्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि बहुत कठिन चैप्टर है यार, कहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्या करें, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो बेसिक याद रखो, क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा फॉर्मूलेबाजी इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक। बेसिक दिमाग में रखोगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हमने लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की भी बात कर ली, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे हमने क्वेश्चन कर लिया। अब जो इनका सेकंड लॉ था, इस पे अगर आया जाए तो हमने डिस्कशन तो कर ही लिया था, ठीक है। तो सेकंड लॉ के बाद एक लॉ था थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर किसी को एक कंटाप मारोगे तो रिएक्शन वो भी तुम्हें दूसरा कंटाप मारेगा। गांधी जी की तरह ऐसा नहीं करता कोई, मुझे दूसरा भी कर दे, ठीक। होते हैं कुछ लोग, ठीक। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा है, तो मार्कर mg से मेरे हाथ को दबा रहा है, mg के ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे रखते हैं। बचपन में एक सवाल भी किया था, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं। कैंसिल ना करने का कारण यही होता है क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्शन रिएक्शन लगने के लिए क्या कॉन्टैक्ट जरूरी होता है? आंसर हाँ आ रहा है ना, नाना नाना, ठीक है, जरूरी नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट भी तो करते हैं, उसमें कहाँ कांटेक्ट है। एक्शन रिएक्शन वहां भी लगता है, दो मासेस रखे हुए हैं, यहां से मैं इसको अगर गिरा दूं, यहां से गिरा दूं तो इसको अगर गिरा दूं तो ये क्यों नीचे जा रहा है? ये नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि mg अर्थ इसके ऊपर mg के बराबर फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये अर्थ को भी mg से खींच रहा होगा, लेकिन अर्थ की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फुद्दू सा तो फोर्स है, तो कहां फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता है, ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले मैं एकदम सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कैसे होते हैं, जैसे चलो एक कॉन्टैक्ट वाले क्वेश्चन करा देता हूं, या रस्सी वाले क्वेश्चन चलो पहले करा देता हूं। ये दो ब्लॉक रस्सी से बने हुए हैं, M1, M2, इस पे लग रहा है फोर्स F। आपसे कहा जा रहा है इनका एक्सेलरेशन बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल पहले बता रहा हूं, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ से ही तो आता है कॉन्स्टेंट मास सिस्टम्स के लिए। अगर मास कॉन्स्टेंट है तो F इज इक्वल टू ma, उसी का एक फॉर्म होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स, तो मैंने इस पूरे को अपना सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? F लग रहा है, तो x डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा, तो फोर्स लग रहा है F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको सिस्टम माना, तो ये रस्सी से बंधे हुए हैं, तो रस्सी दो तरह की यहां होती है, एक रस्सी होती है मासलेस, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल, तो होती है मासलेस, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन लगेगा, लेकिन जब पूरे को सिस्टम तूने मान लिया तो रस्सी का जो टेंशन हो गया वो क्या हो गया? रस्सी का टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर आ गए ना, रस्सी ने M1 पे फोर्स लगाया, रस्सी ने M2 पे फोर्स लगाया, जो कि सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स हैं। तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में आता है, वो एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब मान लो इसमें कहा गया रस्सी में टेंशन निकालो, तो पहले तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम से निकालना सिखा देता हूं, फिर इसका एक जो है आसान सा तरीका भी होता है, वो जो है कहते हैं कि तुम लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो। तो अगर मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये लगा फोर्स F, और क्या लग रहा है? M2G हमेशा लगेगा, कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और रस्सी से बंधा हुआ है तो इधर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे की मोशन तो हो नहीं रही है, ऊपर नीचे की मोशन नहीं हो रही है, तो जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो F माइनस टी बराबर ma, तो निकालना क्या था? T इज इक्वल टू F माइनस ma। A तो निकाल ही चुके हो ना भाई, A क्या था? F M2 है ना, M2 तो भूल ही गया, अभी गलत हो जाता,
ठीक है, तो एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसी को सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा क्या, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब देखो मैं एक तरीका बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है तुम्हें, कितने भी हो ब्लॉक्स कुछ भी हो जाए। जैसे इसमें इसी क्वेश्चन में मान लो ये था एम वन, ये था एम टू, इधर लगा फोर्स एफ टू, इधर फोर्स लगा एफ वन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो खटाक से निकाल लोगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। मान लो मैंने बोला एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, तो एक्सेलेशन क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स एफ टू माइनस एफ वन अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू। अब टेंशन निकालने का देखो तरीका क्या है, टेंशन निकालने का तरीका क्या है, आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व करोगे तब भी रिजल्ट आएगा। टेंशन निकालने का तरीका क्या है, पहले ये वाला फोर्स लिखो एफ टू, ठीक है, अगर एफ टू लिखा तो एफ टू को मल्टीप्लाई करो एम वन से, एफ टू को मल्टीप्लाई करो एम वन से, एफ टू किस पे लग रहा था, एम टू पे लग रहा था ना, तो इसके अलावा जो दूसरा मास है उससे मल्टीप्लाई करना, जिस पे लग रहा है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो एफ टू इंटू एम वन प्लस, ठीक है, एफ वन किस पे लग रहा था, एम वन पे, तो दूसरा मास कौन है, एम टू, तो ये एफ वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, एक एग्जाम्पल के थ्रू और जल्दी से बताता हूं मैं इसको, चलो ठीक है, पॉज करके नोट करना चाहो कर लेना, पॉज करके नोट करना चाहो नोट कर लेना, ठीक। तो एक बहुत ही आसान सा जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें दो तीन ब्लॉक ले लेंगे, दो तीन ब्लॉक ले लेंगे, जितने लेने हैं ले लो यार, क्या दिक्कत है, घर की खेती है, ठीक। और क्वेश्चन करना ऐसे ही है, मान लो ये और ये तीन ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक्स, 2 किलो 2 किलो 2 किलो 1 किलो और ये 3 किलो, ठीक है, तो 3 2 5 एक 6, मान लो इधर लगा फोर्स 50 न्यूटन का, इधर फोर्स लगा मान लो 20 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन फटाक से निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास कितना है, 3 2 5 1 6, तो 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब टेंशन निकालते हैं, इसमें टेंशन T1 मान लो, इसमें टेंशन T2 मान लो, तो T1 अगर निकाला जाए, T1 निकाला जाए, ठीक है, तो T1 अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा बच्चा लोग, T1 अगर निकाला जाएगा तो बताओ जल्दी से, जब यहां टेंशन निकाल रहे हो तो इन दोनों को कंबाइन करके एक मास मान लो, ठीक है। अब देखो ये 50 न्यूटन किस पे लग रहा था, 3 केजी पे, इस 3 केजी के अलावा मास क्या है, 2 प्लस 1 था, तो 50 को जो मल्टीप्लाई करोगे वो 2 प्लस 1 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये 20 न्यूटन वाला किस पे लग रहा है, 2 केजी पे, सॉरी इस पूरे सिस्टम पे, तो 20 इंटू क्या कर दोगे, 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6, ये हो गया T1। क्या किया, 50 किस पे लग रहा था, इस पे, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया, एक सिस्टम मान लिया, ठीक है, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा जिस पे लग रहा है, इसके अलावा जो मास है, तो मास कितना था, 2 प्लस 1 3, तो 50 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3, ठीक, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही मान लो तेरे आपसे बोला जाता कि T2 निकालो, तो T2 किस पे लग रहा है, 2 केजी पे, तो इसके अलावा जो मासेस हैं उनको कंबाइन कर लो, तो 20 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 प्लस 1 4 से, ठीक है, तो 20 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये टेंशन निकाल लो। अब ऐसे कितनी भी रस्सियां रस्सियों से कनेक्ट कर दो, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है चीज। चलो आगे चलते हैं फटाक से, दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं। ये कंसेप्ट जो है आप लोग जब रिएक्शन होगा तब भी यूज कर सकते हो, फटाक से मैं एक क्वेश्चन इसी तरह का और सॉल्व करा देता हूं, रिएक्शन जब कॉन्टैक्ट में होंगे ब्लॉक्स तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ानी, वही पढ़ानी है जो नीट में पूछी जाती है। तो मान लो आपसे कहा गया कि ये दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास ले लो 5 किलो 5 किलो 5 किलो 2 किलो, और मान लो कहा गया इधर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, तो आपसे पूछा गया एक तो सब स्मूथ सर्फेस है, कहीं जो है फ्रिक्शन वगैरह नहीं है,
तो आपसे बोला गया सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, और 5 किलो वाला 2 किलो पे जो फोर्स लगा रहा है, 2 किलो वाला जो 5 किलो पे फोर्स लगा रहा है वो बता दो। तो पहले तो मैं बेसिक से करना सिखा देता हूं, तो एक्सेलरेशन तो निकाल ही लोगे फटाक से। 10 डेटा थोड़ा सही कर देता हूं यार, ठीक है, ताकि कैंसिल वैंसिल हो जाए, नहीं तो जगह कहते हैं फिर मेरे से कैलकुलेशन ना होगी। ये 5 2 7 है, मान लो 28 न्यूटन। अरे मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है इसलिए मैंने जो क्या कहते हैं लिख दिया, तुम लोग तो कर ही लोगे, चैंपियन हो तुम लोग। तो 28 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 7, मतलब कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मैं सवाल बना रहा हूँ यहाँ पे, वैसे सवाल तुम भी बना के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A is equal to 28/7। अब देखो रिएक्शन की अगर बात की जाए तो 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर की तरफ क्या लग रहा है 5 kg वाले पे, 28 न्यूटन लग रहा है, और 5 kg वाले ने 2 kg वाले को इधर की तरफ पुश किया होगा, किधर की तरफ, राइट साइड में। तो न्यूटन बाबा क्या कह गए थे, न्यूटन बाबा ने जो क्या कहते हैं थर्ड लॉ दिया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसी के रिएक्शन के कारण तो 2 kg वाला मूव कर रहा है, अदरवाइज 2 kg वाला मूव करता ही नहीं, ठीक। तो जितना रिएक्शन 5 kg वाला 2 kg वाले पे लगा रहा है, उतना ही 2 kg वाला 5 kg पे लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस पे एक रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ R, ठीक। इसका इक्वेशन फट से बना लो, 28 - R = 5 × 4, ठीक है। तो R कितना हो गया, 8 न्यूटन R मिल गया। अब इस क्वेश्चन को जो अभी हमने टेंशन वाली टेक्निक सीखी उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं वो सिखा देता हूं जल्दी से एक क्वेश्चन करके, ठीक। मान लो सेम डेटा लेते हैं, 5 किलो, ठीक है, 2 किलो इधर लग रहा था, इधर लग रहा था 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और इधर लग रहा था मान लो 22 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन तो फटाक से निकाल लिया, फोर्स कितना है 28 ही है, डिवाइडेड बाई 7, 4 m/s². अब रिएक्शन फोर्स कैसे निकालोगे, हमने क्या सीखा, 50 वाला किस पे लग रहा था, 2 पे लग रहा था, सॉरी 50 वाला 5 पे लग रहा था, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और 22 वाला किस पे लग रहा था, 5 पे लग रहा था, तो डिवाइड इनटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इससे रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है चीज, पक्का, श्योर। तो ऐसे ही जो है कहते हैं सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। एक और जो है कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पुली वाला एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे देखेंगे। कंसेप्ट यही है बच्चा लोग, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना आ गया, बहुत फॉर्मूलेबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूलेबाजी कितने फॉर्मूले याद रखोगे, अगर याद करने पे आओगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे ही कम से कम जो है 50 फॉर्मूले 100 फॉर्मूले बन जाएंगे, हर केस का अलग अलग फॉर्मूला। तो जो है कंसेप्ट दिमाग में रखिए, ठीक। पुली वाला कंसेप्ट क्या होता है, एक तो बड़ा फेमस क्वेश्चन ये है, ये 2 पुली, ये पूछा भी कई बार गया है, M1, M2, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन और रस्सी में टेंशन। तो अगर हम लोग मान लें कि मान लो M2 इज ग्रेटर देन M1 है, ऐसा दे रखा है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो इसमें तुम लोगों ने खूब पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, M2 - M1 / M1 + M2 × g, ठीक है, और टेंशन क्या हुआ करता था, 2 M1 / M2 / M1 + M2 × g, ठीक है, ये चीज है। अब देखो जो टेक्निक हमने सीखी उसी से हम जो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं खोल के क्या कर देता हूं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख देता हूं, ये था M1, ये था M2, ठीक, ये M1, ये M2, इधर की तरफ क्या लग रहा था, पुलिंग फोर्स M2g लग रहा था, और इधर की तरफ क्या लग रहा था, M1g लग रहा था पुलिंग फोर्स, ठीक। तो जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या हो गया, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो इसी से आ गया आपका M2 - M1 / M1 + M2 × g, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब टेंशन अगर निकालोगे तो टेंशन के लिए क्या सीखा, M2g किस पे लग रहा है, M2 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, M1 से, ठीक है। तो M2g × M1 + M1g किस पे लग रहा था, M2 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, M2 से, तो ये क्या हो जाएगा, M1g × M2 / टोटल मास, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 2 M1 / M2g / M1 + M2, यही टेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है चीज सबको, श्योर ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं लॉज ऑफ मोशन में, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में आगे जब हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे तो फ्रिक्शन को इंक्लूड करके सूडो फोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, घर पे बैठिए, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस को देखते रहिए प्रॉपरली, ठीक, तो आपको जरूर इससे जो कहते फायदा होगा, ठीक, तो बी सेफ, कोरोना से बचे रहिए, घर पे बैठिए, ठीक, चलिए, थैंक यू।